मैं तो यहां तुम्हें दाद देने आई थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझोगी कैसे? खून अपना हो तो उसके रंग भी पहचान में आ जाते हैं। आप साफ साफ कहें क्या कहना चाहती हैं, पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? बहुत गुरूर था ना तुम्हें, दोनों रिश्तों को इनकार कर दिया। लेकिन इनकार करने से पहले उष्णा की राय ली थी। हम दोनों की राय एक ही है। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर शोर क्यों मचा हुआ है कि उष्णा और सुफियान कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं? क्या ये क्या कह रही हैं आप? वही जो सब कह रहे हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती, लेकिन उसे करवाया तो जा सकता है ना। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। मैं नहीं चाहती कि भाभी बेगम और सुफियान कोई ऐसी हरकत करें जिससे उष्णा की इज्जत पे कोई बात आ जाए। उसके साथ कुछ होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। संभाल लो उष्णा को, अभी भी वक्त है। उष्णा ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बाकी लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां तुम्हें वार्न करने आई। मेरे हुज़ैफ़ा का रिश्ता आज भी हाजिर है। जब कहोगी निकाह खां को लेकर आ जाऊंगी। इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़। हाफिज़। अरे, ये कितनी साजिशी औरतें हैं, और आप क्यों परेशान हो गई हैं? उष्णा ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। आपको भरोसा होना चाहिए उस पर, आपने तरबियत की है उसकी। अगर मैं उसे इतना जानती हूं कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो पुरसकून हो जाए। सितम गर